मले में से जो लोग घी बनाते हैं उनके लिए एक हम खास रेसिपी लेके आए हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें मलाई में से घी बना लेना है हमें, और उसमें से जो मावा निकला है उसे हमें फेंकना नहीं है, उसकी एक हम खास रेसिपी बनाएंगे। तो क्या करना है हमें, उसी बर्तन में जो घी वाला बर्तन है उसमें एक कप रवा डाल लेना है, उसको आपको अच्छी तरह से सीख लेना है। रवा हमारा आधा से ज़्यादा सीख जाए बाद में इसमें हम एक कप जितना गेहूं का आटा मिला देंगे। आप सीखते समय आप थोड़ा सा इसमें घी ऐड करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, नहीं तो नहीं करेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि हम इसमें मावा मिलाने वाले हैं। हमने मावा मिला है और मावे में काफ़ी हद तक इसमें घी रह चुका होता है। मलाई में से जब हम घी बनाते हैं तब इस मावे में थोड़ा सा घी रह जाता है, तो हमें ऐसा ही मावा लेना है। इसीलिए आप इसमें घी नहीं डालेंगे तो भी चलेगा। तीनों को अच्छी तरह से सेकने के बाद आधा कप जितना गुड़ डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप अपने स्वाद के अनुसार गुड़ कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और तुरंत ही हम गैस बंद कर देंगे। अब हम इसमें बादाम पिस्ता का पाउडर, सूखा नारियल या इसकी आप छील भी डाल सकते हैं। सबको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद उसको एक थाली में निकाल दीजिए। थाली में हमने पहले से घी से ग्रीस कर लिया है और हाथों से आप टिप टिपा दीजिए। बाद में आप एक कटोरी ले लीजिए और कटोरी से पूरी थाली में ये फैला दीजिए और उसको अच्छी तरह से प्रेस करते आप इसकी एक अच्छी एक लेयर बना लीजिए। ये पूरी तरह से गर्म गर्म हो तभी आप इसमें पूरी थाली में इसमें कट लगा दीजिए। ये मिठाई काफ़ी हद तक गुजराती मिठाई सुखड़ी जैसी लगती है, लेकिन आप इसका क्या नाम देना चाहते हैं आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। अब हम इसमें एक पीस को कट करके देखते हैं और थोड़ा सा तोड़ कर देखते हैं। देखिए इस काफ़ी सॉफ्ट है और खाने में भी ये काफ़ी जायकेदार लगती है। आपको हमारा ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया है तो इसको लाइक और शेयर कर दीजिए और साथ साथ में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए।